साथ है। या साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ, जीत हमारी इंशाल्लाह। जीत मोहम्मद अमीन बट साहब जिंदाबाद, मोहम्मद अमीन बट साहब। या साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे। शुक्रिया सर, मेरा नाम रियाज अहमद भट्ट है, मैं प्रोड्यूसर बी से कंटेस्ट कर रहा हूँ। मैंने 2011 में सरपंच इलेक्शन भी लड़ा है, उसके बाद 2018 में फिर से आया हूँ, मैं एज ए डिप्टी सरपंच मानिएगा। मैं आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर उनको मेरा काम अच्छा लगा है 2011 से लेके अब तक, चाहे वो 2014 सितंबर जो सैलाब आया था, बाढ़ आई थी, उसमें काम किया, कोविड के मसले में काम किया, अगर लोगों को अच्छा लगता है तो मैं उनसे आप दर्द मानो गुजारिश आज करता हूँ आपके माध्यम से कि वो अपना वोट और सपोर्ट मुझे दे, ताकि यहाँ पर जो क्रिमिनल फोर्स पार्टियाँ हैं उनको रोक दिया जाए और एक सेकुलरिज्म पार्टी को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। हम डेवलपमेंट पे फोकस देंगे, क्योंकि डेवलपमेंट पे क्यों देंगे, हम देख रहे हैं जो गाँव है, जो हमारा ग्रामीण एरिया है, इसमें देख रहे हैं कि आज तक डेवलपमेंट नहीं हुई। हुई है किसी किसी जगह पर, जहाँ पर कुछ पांच सरपंच काम करने वाले लोग थे और कुछ लोग आते हैं मैदान में, बहुत सारे सपने दिखाते हैं वो, लेकिन बाद में जब इलेक्शन खत्म होता तो वो पांच पांच छह छह साल नजर नहीं आते। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं लोगों को, आपको डेवलपमेंट के मसले में कोई भी शिकायत नहीं आएगी। डेवलपमेंट जहां पर भी, चाहे वो मैकडम का मसला हो, पीएचई का मसला हो, पावर का मसला हो, आपकी आवाज जो है यहां पर दूसर बी की आवाज, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं उठाना चाहता हूं उनकी आवाज, ताकि जो आज तक दूसर बी को दबाया गया, अब उसको मैं दबाने नहीं दूंगा। मैं लोगों से गुजारिश करता हूं फिर से कि आपकी आवाज आगे पहुंचाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सड़कों के लिए, पावर के लिए, पीएचई के लिए, राशन के लिए, ताकि उनको कोई शिकायत ना मिले, इस चीज को मैं यहां से जो ये शिकायतें आ रही है दूर कर पाऊं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज लोगों को कि वो बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा ले, ताकि ये बड़ा इलेक्शन भी नहीं है, लेकिन मैं उनको क्यों कहना चाहता हूँ, छोटा भी नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर बनेगा कल, वो उनकी आवाज किसी जगह पहुंचा सकता है। इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उन ताकतों को जिन ताकतों ने हमें आज तक 200 साल 300 साल पीछे फेंक दिया, दोबारा से कुछ अख्तियार छीन लिए हमसे, उनको रोक दिया जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके वो आगे बढ़ चढ़ के निकल के आए और हम जैसे कैंडिडेटों को, जिस तरह जिन्होंने काम किया है, उनको कामयाब करें।